सभी को नमस्कार। मैं गोविंद पारिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। तारीख है आज 3 वार मंगलवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। कल सोमवती अमावस्या व श्रावण के आखिरी सोमवार को कुळघी रोड पर स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव जी की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आने वाले 5 सितंबर वार गुरुवार को कैनरा वेलफेयर ट्रस्ट बीएड कॉलेज दांडेली, इनर व्हील क्लब दांडेली, श्रीगंध ट्रस्ट दांडेली और प्रेम बिंदु रक्त निधि केंद्र हुबली ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जनता विद्यालय के प्रधान आचार्य उपेंद्र घोरपड़े, बीएड कॉलेज प्रधान आचार्य डॉक्टर सहना सूर्यवंशी, इनर क्लब के अध्यक्ष स्नेहल कंबकत कौन, सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी नाइकवाड़, एडिटर बीबी सोग्रा खान, आईएसओ डॉक्टर अनुषा माडोलकर और मेंबर ज्योति कल्लनवर ने सभी से रक्तदान करने का आग्रह किया। नमस्कार, इस वक्त मैं दांडेली के बर्ची रोड पर स्थित जनता विद्यालय में हूँ। कैनरा वेलफेयर ट्रस्ट बीएड कॉलेज दांडेली, इनर विल क्लब दांडेली और श्रीगंध ट्रस्ट दांडेली, इनके द्वारा एक रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। पहले मैं इन सभी का आपको परिचय करा दूं। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। शुभ नाम सर जी आपका? मेरा नाम उपेंद्र घोरपड़े, युवर घोरपड़े। आई एम प्रिंसिपल हियर इन जनता विद्यालय जूनियर कॉलेज एंड कैंपस कोऑर्डिनेटर। मैडम,
सो मेरा नाम डॉक्टर सहना सूर्यवंशी, मैं बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल। तो ये जो रक्तदान शिविर होगा ये यहीं पे होगा, इसी इसका स्थान यही है? कब से कब तक होगा, इसका समय क्या है, टाइम क्या है? सुबह 9:30 से दोपहर 4:30 तक होगा। यानी सुबह 9:30 बजे जो रक्तदान करना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर अपना रक्तदान कर सकते हैं, सही है ना? सुबह 9:30 बजे से? हाँ जी, सुबह 9:30 बजे से। अच्छा, 4 बजे तक होगा? 4:30 तक होगा। आपको क्या लगता है, लोग वॉलेंट्री अपने इच्छा अनुसार ब्लड देंगे? हाँ देंगे सर, क्यों नहीं। अभी यंग जनरेशन है तो उनको सभी ये तो अवेयरनेस है, तो आएंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, हमको भरोसा है। ऐसे आयोजन करना ये भी एक बहुत क्या बोलते पुण्य का काम है। यानी इनरविल कभी भी ऐसा पुण्य का काम बहुत काम कर रहा है हमारा, बहुत बढ़िया। इसीलिए सब लोग आ जाएंगे और अच्छा पब्लिसिटी भी होगा तुम्हारा इस तुम्हारा चैनल के। हमारी भी सोच ये है कि आप लोग जब इतना मेहनत कर रहे हो तो एक छोटा सा बहुत ही नाम मात्र का सहयोग हमारी तरफ से भी रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, लगता है कि लोग आएंगे? हाँ डेफिनेटली आएंगे, और सबसे मैं आपके द्वारा सबसे यही अपील करूंगी कि आइए, रक्तदान कीजिए, जान बचाइए और अपने व्यक्तित्व को भी महान कीजिए। बहुत बढ़िया। रक्त एक ऐसा चीज है, कहे ये है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रक्त को सिर्फ रक्त ही चाहिए, रक्त को सिर्फ रक्त उसी प्रकार का चाहिए। अगर आप लोग रक्तदान करते हैं तो एक जीवन बचाते हैं, एक जीवन बचाते हैं तो एक परिवार बचाते हैं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपनी इच्छा लेकर एक परिवार बचाने के लिए, एक जीवन बचाने के लिए 5 तारीख के दिन इस जनता विद्यालय में इन सभी ने जो मेहनत करके एक आयोजन कर रहे हैं, इस शिविर को दांडेली के युवा शक्ति पूरी ताकत लगा के साथ यहां पर आए और रक्तदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर। दांडेली व दांडेली के आसपास लगातार व जोरदार बारिश के चलते सुप्पा डैम का जल स्तर आज 561.14 मीटर रहा, जबकि बांध की कुल क्षमता 564 मीटर है। हो सकता है 2 से 3 दिनों में फिर से बांध से पानी छोड़ा जा सकता है। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था कि चिकन नेक की लंबाई कितनी है, चिकन नेक की लंबाई है 60 किलोमीटर और चौड़ाई 17 से 22 किलोमीटर है। जवाब देने वाले हैं शीला विनायक, लतीफा शेख, काव्या बसवराज, सोफी रफीक, खलीलुल्ला मिर्जा, अनिल राव, दत्ता प्रभु, महावीर व्यास, जितेंद्र सोनी, राजेश गोली, अभिषेक यादव, योगेश कदम, अयुब हिरेकर, कोमल लोखंडे, खादर दुरानी, मुताहिर शेख, अनंत कामत, नितिन कुमार हलसगी, नागराज लोगावी, रवि माने, पवन शाह और प्रवीण कपूर। आज का सवाल, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब
तीन सल्तनतों ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। तीनों सल्तनतों को बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। उन तीनों सल्तनतों का नाम कमेंट्स में अवश्य बताएं।